दाल हो तेल बर्दाश्त हमने किया, अब सिलेंडर मंगाना कठिन हो गया। हाल क्या है न सरकार पूछो मेरा। मेरे ख्याल से लगभग 4-5 बार प्रशस्ति स्टूडियो में उनकी कविताओं का काव्य पाठ हुआ है, लेकिन आप सबका प्यार उनके प्रति इतना विशेष रहता है कि हम उन्हें बार बार आमंत्रित करते हैं, फिर भी आपका मन नहीं भरता। तो इस बार फिर से आपकी विशेष मांग पर हमने डॉक्टर सरमेश शर्मा को बुलाया है। मैं सिर्फ उनके लिए 2 पंक्तियां कहता हूं कि जिनकी कविताएं सुनकर भ्रष्टाचारियों के मर जाते हैं अरमा। हमारे बीच में है कवि डॉक्टर सरमेश शर्मा, जोरदार तालियां से आमंत्रित करिए, आए डॉक्टर शर्मा। कवियों और कविता में क्या शक्ति होती है। अभी मैंने 3 महीने पहले एक पैरोडी लिखी थी, आपको याद होगा कि 6 महीने पहले एक आदेश आ गया था कि जिनके पास पुराने ट्रैक्टर और पुरानी कार भी है तो उनके राशन कार्ड कट जाएंगे। और ये इतनी तेजी से इस पे काम हो रहा था कि रोज पेपर में निकलता था कि आप अपना राशन कार्ड सरेंडर कीजिए, नहीं तो 2 साल का आपको पेनाल्टी देनी पड़ेगी। मैंने एक पैरोडी के माध्यम से इस चीज़ को सामने रखा और वो बातें सरकार तक पहुंची। और ये मेरा सौभाग्य है कि योगी जी ने मेरी बात मानी और सभी राशन कार्ड का जो निरस्त्रीकरण का काम था वो रुक गया। सुनिएगा। बंद हो गई या होनी है लुभावनी योजनाएं, इलेक्शन हो गया है। अरे प्यारे साथिया, तूने खरीदा ट्रैक्टर कार क्यों, दलदल में यूं ही रहता, जीवन में किया है सुधार क्यों। 2 सालों से फ्री का राशन खाए हैं, अब लौटाए, इलेक्शन हो गया है। कुछ लोगों ने कहा कि अब तो वो सब काम खत्म हो गया, सबके राशन कार्ड बहाल हैं, तो उन्होंने कहा ऐसे नहीं बहाल हैं, मेरी वजह से बहाल हैं। आइए एक पैरोडी से आपको और जोड़ता हूं। फिर हमारे गांव का एक छोटा सा किसान मेहनत मजदूरी करके 1.5 लाख का ट्रैक्टर ले आया, और जब ये फरमान जारी हुआ कि अब राशन कार्ड कट जाएगा तो घबराया हुआ मेरे पास आया, कारण सब मैं अब क्या करूं। तो उन्होंने कहा भाई सरकारी आदेश है तो करना पड़ेगा। तो वो राशन कार्ड सरेंडर करने गया अपना, और जाके वहां एप्लीकेशन दे के अपना राशन कार्ड सरेंडर कर दिया। तब वो कहता है कि मुबारक हो तुमको ये राशन तुम्हारा, मुबारक हो तुमको ये राशन तुम्हारा, प्रसाधन तुम्हारा, प्रशासन तुम्हारा, तुमको अब जाना। मैं था दीवाना। चूंकि वो वोटर भाजपा का ही था, इसलिए उसको ज्यादा दर्द होता था। कि न रोजी न रोटी न साधन न आए, जहां दृष्टि डालो उधर सांड गाय। दशानन तुम्हारा, दुशासन तुम्हारा, है हिटलर के जैसा कि शासन तुम्हारा, तुमको अब जाना। मैं था दीवाना। और मैंने एक पैरोडी और लिखी। जब ये माहौल पूरा देखा, और जो भी कवि लिखता है कहीं ना कहीं उसका असर दिखता है, और मैंने जब लिखा ये मेरी पंक्तियां वायरल हुई, तो आप मान लीजिए कि 24 चुनाव के पहले ये समस्या खत्म हो जाएगी, क्योंकि मैंने लिखा है। गैया 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 रे, जहां देखो गैया रे, इस मुद्दे पर सब चुप बैठे कोई न बोलैया रे। गैया 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 रे,
जहां देखो गैया रे, इस मुद्दे पर सब चुप बैठे, कोई न बोलैया रे। ये हो बेसहारा, न पानी न चारा, तो खेतों को कैसे न खाएं। ये हो बेसहारा, न पानी न चारा, तो खेतों को कैसे न खाएं। यहाँ देखो गायें, वहाँ देखो गायें, है सड़कों पे कब्जा जमाए। देख लो भैया रे, गैया 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 रे, गैया 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 रे। तो जीवन की ना कोई व्यवस्था, कहते हैं मैया रे। एक आम आदमी सरकार से कहता है कि हाल क्या है न सरकार, पूछो मेरा हाल क्या है न सरकार, पूछो मेरा। अब तो जीवन चलाना कठिन हो गया, हाल क्या है न सरकार, पूछो मेरा। मुश्किलें तो हमारी कभी कम न थी, मुश्किलें तो हमारी कभी कम न थी। अब तो हंसना हंसाना कठिन हो गया, मुश्किलें तो हमारी कभी कम न थी। के 15 लाख आए खाते में अब तक नहीं, 15 लाख आए खाते में अब तक नहीं। हम बताते रहे तुमको कब तक सही, हम बताते रहे तुमको कब तक सही। दाल ओ तेल बर्दाश्त हमने किया, दाल ओ तेल बर्दाश्त हमने किया। अब सिलेंडर मंगाना कठिन हो गया, हाल क्या है न सरकार, पूछो मेरा। चूंकि मैं भी बीजेपी का समर्थक हूं, इसलिए मुझे दर्द ज्यादा है कि पार्टियों की नजर है हमारी तरफ। तमाम पार्टियों ने मुझे ऑफर दिया है, पार्टियों की नजर है हमारी तरफ, और हमारी नजर है तुम्हारी तरफ, और हमारी नजर है तुम्हारी तरफ। गायो साढ़े आफत बने जान की, गायो साढ़े आफत बने जान की। इनसे फसलें बचाना कठिन हो गया, हाल क्या है न सरकार, पूछो मेरा। अब तो जीवन चलाना कठिन हो गया, मुश्किलें तो हमारी कभी कम न थी। अब तो हंसना हंसाना कठिन हो गया, मुश्किलें तो हमारी। और अभी बड़े भाई कह रहे थे कि डाई लगाने का जो है मेरा भी मन करता है, और मन क्या करता है, लगाए हुए। मैं एक मुक्तक दे के आपको जा रहा हूं। कब तक बुढ़ापा छिपाओगे दादा, कब तक बुढ़ापा छिपाओगे दादा, जवानी का ओढ़ोगे कब तक लबादा। बालों को कब तक के काला करोगे, किसी पे मरोगे तभी तो मरोगे, किसी पे मरोगे।